वेलकम फ्रेंड्स, मैं कुबेर पाटीदार, मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे कि जीए 55 में आया एरर, एरर का आगाज यहाँ पर जीए 55 में। ये टोटल अलाउंस है, लेकिन यहाँ पर कुछ इस टाइप से शो हो रहा है, ये आंकड़े बराबर दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये बॉल्ट हो गए हैं आंकड़े, और न जाने ये कौन सी लिपि में शो हो रहा है। और ये जीए 55 भी यहाँ पर करंट फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का है, अभी लास्ट मंथ चल रहा है, वित्तीय वर्ष का लास्ट मंथ यानी मार्च महीना चल रहा है। और मार्च महीने से पहले अगर अपनी ज़रूरत पड़ती है जीए 55 की या फिर वेतन पर्ची की, तो आप इसको दो तरीक़ों से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें पहला है डीडीओ पे मैनेजर की मदद से, यहाँ पर डीडीओ ऑब्लिक एम्प्लॉय रिलेटेड रिपोर्ट में जीए 55। और दूसरा तरीका, यहाँ पर अपना पर्सनल पे मैनेजर लॉग इन आफ्टर, जहाँ पर आप अपनी जब मर्जी चाहो आप डाउनलोड कर सकते हो। आपका पर्सनल पे मैनेजर लॉग इन करेंगे तो उससे पहले आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, यहाँ पर एंटर ओटीपी आफ्टर सबमिट। तो आप जैसे ही सबमिट करेंगे तो आप अपने पर्सनल पे मैनेजर पर लॉग्ड इन हो जाएंगे, और एम्प्लॉय कॉर्नर से आप एम्प्लॉय जीए 55 भी डाउनलोड कर सकते हैं, और पे स्लिप मंथ वाइज भी दोनों चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अपन यहाँ से जीए 55 डाउनलोड कर लेते हैं, यहाँ पर करंट ईयर 22-23 और एस्टिमेटेड ही होगा आप, तो क्योंकि फरवरी टू ये मार्च टू फरवरी निकलता है। और नॉन एस्टिमेटेड लेंगे आप तो अभी तक वर्तमान में जो सैलरी मिली है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपन एस्टिमेटेड ले लेते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। और यहाँ पर ये ओपन हो गया जीए 55 मार्च टू फरवरी 2023 तक की सैलरी अपन को मिल चुकी है। और अगर आप वेतन पर्ची चाहें तो भी आप पे स्लिप मंथ वाइज करंट ईयर की, यहाँ पर तो मार्च चल रहा है लेकिन फरवरी की सैलरी अपनी हो चुकी है, तो यहाँ से फरवरी 2023 सबमिट करते ही यहाँ पर पे स्लिप आ जाएगी, जो वेतन पर्ची होगी अपनी। जीए 55 डाउनलोड करने से अपने लिए दो फायदे हैं, एक तो अपन अपना वित्तीय वर्ष के दौरान जो कटा हुआ टैक्स है, जो लास्ट मंथ में अपन को फरवरी 23 से भी अगर टैक्स चुकाया किया है अपन ने, तो वो टैक्स डिडक्शन कितना हुआ है वो भी अपन चेक कर सकते हैं। प्रीवियस सभी मंथ का जो अपने टैक्स डिडक्शन है, जो अपन ने क्रॉस सैलरी के अकॉर्डिंग अपन ने दी है, तो उसकी टैक्स डिडक्शन भी अपन यहाँ पर जीए 55 में देख सकते हैं। यहाँ पर इनकम टैक्स अपना 39,000 रुपया, जैसे इस एम्प्लॉय का टैक्स डिडक्शन हुआ है। और दूसरी ज़रूरत अपनी ये कि अगर वित्तीय वर्ष के दौरान अपना लास्ट मंथ चल रहा है, और अगर किसी कारण टेक्निकल एरर आ जाता है पे मैनेजर सिस्टम में, तो अपन जीए 55 भी डाउनलोड नहीं कर सकते हैं और अपनी सैलरी स्लिप भी डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, अगर अपन को ज़रूरत पड़ती है तो। अपना जीए 55 डाउनलोड करने का फ़ायदा मैं अभी अभी अपने सामने ही यहाँ पर दिख रहा है। अपन अभी बात कर रहे थे जैसे टैक्स कैलकुलेशन, अपनी जो टैक्स डिडक्शन हुआ है वो बराबर हुआ है या नहीं, तो यहाँ पर मैं आपको टैक्स डिडक्शन की मिसमैच बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये एम्प्लॉई है, इस एम्प्लॉई के यहाँ पर अक्टूबर 2022 में 2000 रुपये की कटौती हुई है, नवंबर में 2000 की कटौती हुई है टैक्स डिडक्शन, उसके पहले किसी भी टाइप से यहाँ पर टैक्स डिडक्शन शो नहीं हो रहा है। और दिसंबर 2022 में टैक्स डिडक्ट हुआ है 15,000, और जनवरी में 10,000, और फरवरी में भी 10,000, टोटल मिला के टैक्स डिडक्शन कितना हुआ इनके 39,000 रुपये का। बट इनकी आयकर गणना के अकॉर्डिंग इनका टैक्स डिडक्ट होना था 41,881 रुपये, जिसमें 2000 अक्टूबर में, नवंबर में 2000, दिसंबर में 15,000, जनवरी में 15,000, और फरवरी में इनकी लास्ट प्रीमियम थी 7,881 की। बट उनकी मिसमैच कहाँ पर हुई कि दिसंबर में तो उनका टैक्स कटा यहाँ पर 15,000 रुपये, यहाँ पर 15,000 रुपये स्पष्ट शो कर रहा है दिसंबर मंथ में, लेकिन जनवरी में वापस 10,000 हो गया। यहाँ पर भी 15 होना था, लेकिन यहाँ पर ये टैक्स हो गया 15, 10, 25 और 10, 35 और 4, 39,000 ही हुआ, जबकि इनका टैक्स बन रहा है 41,881 रुपये। तो इनके यहाँ पर 3,000 रुपये का डिफरेंट आ रहा है, तो 3,000 रुपये का डिफरेंट ये कैसे पूरा करेंगे? यहाँ पर जब आयकर गणना में जो टैक्स इन्होंने डिडक्ट करके दिया था अपने संबंधित टीडीओ को, लेकिन टीडीओ द्वारा यहाँ पर टैक्स कटौती में कमी की वजह से
ये इम्प्लॉय को सेल्फ पेड करना पड़ेगा। जब उनका ITR पे करेंगे तब उनको ये टैक्स 3,000 रुपये का डिफरेंट आ रहा है यहाँ पर, वो उनको टैक्स पे सेल्फ करना पड़ेगा। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब इतना ही था कि जब अपना लास्ट मंथ चल रहा है वित्तीय वर्ष का, तो अपने पर्सनल पे मैनेजर से या DDO पे मैनेजर की हेल्प से अपना GA-55 या सैलरी स्लिप अपन डाउनलोड कर लेंगे तो अपने लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और अपन टैक्स डिडक्शन वगैरह और कोई भी डिडक्शन है अपनी तो वो अपन सारी की सारी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और अभी वित्तीय वर्ष के दौरान ये फिर आएगा, लेकिन अप्रैल की 15 तारीख या 20 तारीख तक भी हो सकता है जब ये न्यू अपडेट होगा, जब अपन इसको डाउनलोड कर सकेंगे। इससे अच्छा है अपना यहाँ पर फरवरी 2023 तक की सैलरी होगी है तो अपना GA-55 अपन वित्तीय वर्ष का आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों एक करंट जानकारी जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से शेयर की है। दोस्तों जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।